नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे मुंबई के ताज होटल की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, दिखाएंगे मुंबई के आसपास पहाड़ी इलाकों में रहने वालों पर क्या खतरा मंडरा रहा है, और बात करेंगे महाराष्ट्र के समुद्र तट तक सैलानियों को लाने के लिए सरकार की तैयारी की। अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। छब्बीस ग्यारह हमले में आतंकियों ने मुंबई के होटल ताज को निशाना बनाया था। एक बार फिर होटल ताज आतंकियों के टारगेट पर है। पाकिस्तान से फोन के जरिए इस होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को आतंकी संगठन लश्करे तायबा का सदस्य बताया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुंबई के बांद्रा में ताज लैंड एंड होटल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। ये चौकसी एक धमकी भरे फोन के बाद की गई है। बीती रात आए फोन में ताज लैंड एंड के साथ ही दक्षिण मुंबई के कोलाबा में ऐतिहासिक ताज पैलेस होटल को भी उड़ाने की धमकी दी गई। पाकिस्तान से फोन करने वाले उस शख्स ने खुद को लश्करे तैयबा का सदस्य बताया था। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड एंड होटल के बाहर मौजूद हूं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बीती रात दो फोन कॉल आए थे जिसने होटल ताज पर आतंकी हमला और उसे बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने अपनी पहचान सुल्तान नाम के तौर पर की और अपने आप को आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा का सदस्य बताया। हालांकि पुलिस ऐसे किसी भी कॉल को हल्के में नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि एहतियातन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये धमकी भरा फोन बीती रात 12:30 बजे होटल स्टाफ ने रिसीव किया था। पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की है, साथ ही एहतियात के तौर पर दोनों होटल्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में कोलाबा के इसी ताज पैलेस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई बिना किसी खास वजह से 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर निकलता है तब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अनलॉक एक में लोग पहले की तुलना में सड़कों पर ज्यादा निकल रहे हैं, इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं। खरीदारी के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर सख्त मनाही है। बाजार या सैलून जाने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे से आगे न जाएं। ऑफिस या हॉस्पिटल जाने के लिए घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की अनुमति है। घर से निकलते समय सामाजिक दूरी का हमेशा पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाजार या दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने पर दुकान को फौरन बंद करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अपने स्थानीय इलाकों में बिना किसी वजह के गाड़ी चलाने पर गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। टू व्हीलर पर एक से ज्यादा लोग बैठ रहे, दो या तीन लोग, उसकी गाड़ी हम सीज कर रहे हैं। मतलब लोगों को कुछ भी रीजन होता है, उनको बिना वजह ऐसे ही घूम रहे। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में खड़ी बाइक और इन कारों पर नए नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के जरिए कार्रवाई कर जब्त की गई ये गाड़ियां साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार अगर सख्ती से नियम का पालन नहीं होता है तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुंबई वाले 2 किलोमीटर के लक्ष्मण रेखा वाले नए नियम को लेकर फिलहाल संशय में है। जाना जरूरी है ना भाई, कुछ भी हो क्या करेगा, कुछ भी जाना ही जाना है। कायदा कायदे से चलेगा, अपन अपने हिसाब से चलेगा। 2 किलोमीटर में जिंदगी थोड़ी ना जी पाएंगे सब लोग। सामान दूर मिलता तो आदमी जाएगा लाने के लिए दवाई। हम लोग को पता ही नहीं था, हाईवे में पता नहीं आपको, ये 2 किलोमीटर का एक कानून है। हम लोग आए छह लाइन में, हम लोग को कहीं नहीं पकड़ा। हम लोग सामने सामने आए, हम लोग को नॉर्मल जो चेकिंग होती है सिर्फ लाइसेंस पेपर देख के छोड़ देंगे। बीजेपी ने सरकार के इन नए नियमों को तुगलकी फरमान बताया है। लोगों के अपनी परेशानी और बहाने हैं, वही मुंबई पुलिस नए नियम को लागू करने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गरुड़ के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में मॉनसून आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ी इलाकों में बसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या है ये खतरा और इससे निपटने के लिए क्या है सरकार की तैयारी, देखिए रिपोर्ट।
मुंबई के 25 विधानसभा क्षेत्रों में 300 से ज्यादा पहाड़ी इलाकों को खतरनाक क्षेत्र माना गया है, जिनमें 1,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से ही एक है मुंबई में मलाड का ये पिंपरी पाड़ा इलाका। यहाँ साल 2019 के मॉनसून में पहाड़ के पास बनाई गई रिटेनिंग वॉल के ढह जाने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। यहीं से थोड़ी दूर आम्बेडकर नगर इलाके में भी रिटेनिंग वॉल ढहने से कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन यहाँ आज 1 साल बाद भी कुछ खास नहीं बदला। तस्वीर बताती है कि पिछले साल के हादसे से भी सरकार और प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। ये मुंबई के मालाड ईस्ट का पिंपरी पाड़ा इलाका है, जहाँ पर आज से तकरीबन 1 साल पहले दीवार के ढहने से तकरीबन 16 लोगों की जानें चली गई थी। और इससे थोड़ी दूरी पर दूसरा जो इलाका है अम्बेडकर नगर, वहाँ पर इससे भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन आलम यह है कि अभी भी देखिए आप, दीवार को सट करके यहाँ पे कई सारे मकान हैं और उन पर खतरा अभी भी बना हुआ है और ये लोग उसी खतरे में जीने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस इलाके के लोगों को मॉनसून के 4 महीनों के लिए किसी सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें कई सालों से दिए जा रहे पुनर्वास के आश्वासन के तहत स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं करती। नगर पालिका में भी 2 बार गए हम लोग, बाद में तहसील में भी गया, बाद में फॉरेस्ट में भी गया, तो बोलते है देगा देगा देगा, कभी देगा। 95 से इधर रह रहे, डॉक्यूमेंट हमारा 95 से इधर, 3 बार सर्वे किया तो कुछ नहीं कर रहे, तो अभी बोलो सरकार को घर ही दे दो, हमको स्कूल में मत जाओ बोलो। ऐसी भयानक तस्वीर मुंबई के साकिना का इलाके में भी दिखाई दी। ये वो इलाका है जहां साल 2005 में लैंडस्लाइड की घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यहां आज भी आपको न सिर्फ पहाड़ों के नीचे बल्कि पहाड़ों के ऊपर भी एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मंजिलों की झुग्गियां दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं तो पॉलिसी का मामला है और सरकार को पॉलिसी बनाकर इनका एक पुनर्वास करने की आवश्यकता है। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने साल 2010 में अपने एक सर्वे के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शहरी विकास विभाग को एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए थे, जो वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चले गए। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गोवा की तर्ज पर बीच शैक्स को मंजूरी दी है। फिलहाल कोंकण तट के 8 बीच पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे मंजूरी मिली है। बीच शैक्स एक तरह से समंदर किनारे बनाई जाने वाली अस्थायी झुग्गियां होती हैं, जहां सैलानी आराम फरमाते हैं। समंदर का किनारा, हिलोरे लेती लहरें, ठंडी हवा के झोंके, नारियल के पेड़ और ताजा पकड़ी गई मछली के लजीज व्यंजन, हर सैलानी का ये एक सपना होता है। और अगर इस खूबसूरत नजारे के बीच आराम के लिए जगह मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सैलानियों की ये मुराद महाराष्ट्र सरकार ने पूरी करते हुए 8 बीच पर कॉटेज बनाने की इजाजत दे दी है। इनमें पालघर जिले में बोर्डी और केलवे, रायगढ़ में वर्सोली और दिवेगर, रत्नागिरी जिले में गोहागर और अरवरे, और सिंधुदुर्ग के कुंडेश्वर और तरकाली बीच शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट के जरिए राज्य सरकार के फैसले की जानकारी दी, जिसका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों का एक लौता शो है, जहां प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।